अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तमाम अहबाब के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ कि हुकूमत पंजाब की तरफ से सोलर पर सब्सिडी का ऐलान कर दिया गया है। सब्सिडी किस तरह ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन किस तरह करवा सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें वो देंगे, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इस सोलर सब्सिडी में आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे और क्या क्या चीज़ें वो आपको लगा कर देंगे। तो भाई जो आप सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपने एक रुपये भी नहीं देना, आपको वो एक किलोवाट का सिस्टम खुद लगाकर घर में देंगे विद बैटरीज़, यानी कि बैटरी के साथ आपको एक किलोवाट वाला सोलर सिस्टम लगाकर देंगे। अब एक किलोवाट वाले सोलर सिस्टम में आपको क्या क्या चीज़ें दी जाएंगी, सबसे पहले आपको दो सोलर पैनल दिए जाएंगे किसी अच्छी कंपनी के, लॉन्जी के, जिंको के, कैनेडियन के या जे ए के, दो सोलर पैनल आपको दिए जाएंगे और उसके साथ एक किलोवाट वाला इन्वर्टर आपको दिया जाएगा और इसके साथ आपको बैटरी के साथ बैटरी भी दी जाएगी ताकि आप रात को भी अपना घर का सिस्टम चला सकें। ये सारा सिस्टम हुकूमत ख़ुद आपको घर पर लाकर लगा कर देगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो वापडा से आपका तमाम डाटा कलेक्ट करेंगे क्योंकि बिजली सार्फिन को जो कि बिजली के जिनके मीटर लगे हैं उनकी बुनियाद पर आपको ये सब्सिडी दी जाएगी। आप लोगों को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा सिस्टम आपको घर पर लगा कर दिया जाएगा, एक किलोवाट का पूरा सिस्टम। आप बात करते हैं कि ये कौन से अफराद इससे सब्सिडी से मुस्तफीद हो सकते हैं और इसका लेने का तरीका क्या गया है। तो आप लोगों को अप्लाई करने का कोई प्रोसीजर नहीं बताया गया, सिर्फ आप लोगों का वो वापडा से जो आपके बिल आते हैं उनकी बुनियाद पर आपको सब्सिडी दी जाएगी और वापडा से आपका टोटल रिकॉर्ड वो कलेक्ट करेंगे, उसी बेस पर आपको सब्सिडी देंगे। हुकूमत पंजाब ने 50,000 अफराद के लिए ये सब्सिडी का पहला फेज़ जारी किया। पहले फेज़ में कौन कौन से अजराज ये लगवा सकते हैं, तो भाई जान आप लोग अपने जहन में रखेंगे कि जिन भाइयों का बिल 100 यूनिट से कम आता है, यानी कि जो एक माह में 100 यूनिट से कम बिजली का इस्तेमाल करते हैं उन भाइयों को ये सब्सिडी दी जाएगी। जो भी भाई 100 यूनिट से ऊपर इस्तेमाल करते हैं उनको ये सब्सिडी नहीं दी जाएगी। ये पहले फेज़ की बात है, शायद दूसरे फेज़ में वो 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले बंदों को भी ये सब्सिडी दें। अब मैं आपको रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीकाकार बता देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हुकूमत पंजाब आजकल ख़ास तौर पर मेहरबान हुई हुई है। कभी आपको इलेक्ट्रिक बाइक दे रही है, कभी ईद गिफ्ट दे रही है, कभी राशन दे रही है, तो अब उसने सोलर सब्सिडी का भी ऐलान कर दिया। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और तैयार रहें और होशियार रहें ताकि इस तरह की सब्सिडी आप ले सकें। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह जैसे ही अब जैसे रजिस्ट्रेशन सोलर सब्सिडी की ओपन होगी उसका तरीकाकार भी मैं अपने YouTube चैनल पर फौरन अपलोड कर दूंगा और आप भी उसी तरीकेकार के मुताबिक जल्द से जल्द उस पर अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आजकल हर एक घर में 2 से 3 मीटर लगे हुए हैं, किसी एक मीटर का तो बिल लाजमी तौर पर 100 यूनिट से नीचे आता होगा। तो इस तरह के लाखों बंदे ऐसे निकल आएंगे जिनके जो मीटर के बिल होंगे वह 100 यूनिट से कम होंगे, तो आप भी उनमें से एक होंगे। लेकिन फिर हुकूमत पंजाब उसमें आपकी कुरानदादी करेगी और कुरानदादी के बाद आप जिन जिन बंदों के नाम निकलेंगे उन पर वो उनको घर में सोलर सिस्टम लगा कर देंगे। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह के और भी बहुत सारी इंशाल्लाह सब्सिडी हुकूमत पंजाब देगी। और मैं फौरन उसी के साथ साथ ही जैसे ही अब ये जिस तरह सोलर सब्सिडी का उन्होंने अभी ऐलान किया लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन का कोई उन्होंने प्रोसेस जारी नहीं किया, लेकिन मैंने उसके वीडियो आपको बता दिया, आपको पहले अलर्ट कर दिया कि होशियार रहें, जब भी रजिस्ट्रेशन ओपन होए तो आप सबसे पहले बंदे हों जो अपना अप्लाई कर रहे हों। अभी तक तो जो भी हुकूमत पंजाब ने जो भी सब्सिडी दी है वो तमाम तर गरीब तबके के लिए हैं, यानी कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो सोलर सब्सिडी नहीं है। यानी कि जो राशन प्रोग्राम मिला है या जो भी ईद टेम्पर मिले हैं वो सारे गरीब तबके के लिए हैं, जिनकी सैलरी जो है महीने की 25,000 से कम बनती है, यानी बिल्कुल गरीब घराने के हैं और उन्हीं को सोलर सब्सिडी भी दी जा रही है। क्योंकि बिजली के बिल तो खासी तौर पर मिडिल क्लास बंदों के भी 2-2, 3-3 मीटर लगे हुए हैं, उनका भी बिल 100 यूनिट से कम निकल आएंगे किसी एक मीटर पे, तो उनको भी लगा कर दे सकते हैं। तो इस तरह आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं, चाहे आप मिडिल क्लास बिलोंग करते हैं यानी आपकी सैलरी 50,000 से ऊपर है तब भी आप इसमें लाजमी तौर पर अप्लाई करें। अगर आपने मीटर घर में लगाया हुआ है जिसका यूनिट 100 यूनिट से कम खर्च होते हैं। अगर इस स्कीम के नाम की बात करें तो रोशन घराना स्कीम के नाम से ये स्कीम जारी की गई है और ये मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ये
50,000 सोलर पैनल देने का मुफ्त, ये बिल्कुल मुफ्त है, इसमें आपने एक रुपया भी हुकूमत को नहीं देना, बिल्कुल मुफ्त 50,000 सोलर पैनल देने का ऐलान किया गया है। इससे पहले सोलर ट्यूबवेल के लिए स्कीम दी गई थी, किसानों को सोलर ट्यूबवेल लगा के दिए जाते थे, लेकिन उसमें किस्तों का शेड्यूल था कि हर साल आपने इतने पैसे पे करने हैं, लेकिन इस सब्सिडी में कोई भी आपने एक रुपया भी नहीं देना। और इस स्कीम का नाम पंजाब रोशन घराना स्कीम रखा गया है और ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से जारी किया गया। 50,000 सोलर पैनल लगा कर दिए जाएंगे। एक और बात आप लोग ज़हन में रख लें कि ये सोलर पैनल आपको घर पर लगा कर दिए जाएंगे, अपने सोलर ट्यूबवेल के लिए आपको सोलर पैनल खुद लेने पड़ेंगे। ये कोई बंदा ध्यान में न रखे कि हम ये सोलर पैनल अपने सोलर ट्यूबवेल पर लगा लेंगे, एक इंच दो इंच या जित तीन इंच डिलीवरी के लिए हम इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये आपको उस मकसद के लिए नहीं मिलेंगे। इसके साथ इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर 1 किलोवाट का और बैटरी वगैरह, ये घर पर आपको सेटअप मुकम्मल लगा कर दिया जाएगा, आपको हवाले नहीं की जाएंगी कि आप खुद लगा लें, ये सारा कुछ उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली हुई है, उन्होंने आपको घर पर लगा कर देनी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।